चातक कस्बे के सराय साही में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और फायर भी कर दिया। पंडित गब्बर ने जानकारी देते हुए बताया कि वो शाम को करीब 3:30 बजे अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी खलील पुत्र उमदराज, शकील पुत्र खलील, कपिल पुत्र खलील, अजीम पुत्र खलील ने उसे घेर लिया और लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। पंडित जान बचाकर भागने लगा तो इन लोगों ने फायर कर दिया। पीड़ित ने अपनी जान बचाकर छाता थाने में पुलिस की शरण ली। साथ ही पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले भी ये लोग उसके साथ उसके बेटे के साथ मारपीट कर चुके हैं। इस संबंध में उसने छाता कोतवाली पुलिस को पहले भी तहरीर दी थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तीसरी बार इन लोगों ने हमला कर दिया है। इस संबंध में कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। तहसील छाता, जनपद मथुरा से ज्योति भगत सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? अयान। अयान, बताएं क्या हुआ, मामला क्या है? ऐसा हुआ, मुझको दोपहर में 2 बजे रोटी खाने आया, मैं गैस वेल्डिंग का काम करूं, मैं 2 बजे रोटी खाने आया, मुझको गाली भी बकी और मुझको मारने की भी धमकी दी, और मैं जा रहा था और 4 बजे फिर मैं आया तो मेरे पापा को एक पैर में लाठी दी और एक नाया दी और फायर करा, फायर उनके गोली लगी नहीं, इधर चली गई गोली। किसने की फायर? अलीम ने। तुम कहाँ थे? मैं यहाँ खड़ा था, पास में ही खड़े थे। हाँ। तो इसकी सूचना फिर पुलिस को नहीं दी? दी, आई पुलिस, ये भाग गई। भाग गए वो लोग? जी गब्बर। गब्बर कहाँ के रहने वाले? सराय साई। तो बताएं क्या समस्या है, छाता थाने आए? जी साहब, मैं अपने घर जा रहा सीधा, खलील उमर रजाज, बाप का नाम उमर रजाज है, उसका लड़का खलील, चारों बाप बेटे बैठे थे, एक खलील और एक कपिल। मैं घर जा रहा था, शकील ने मुझे रोका कि भाई तेरा लड़का गाली बकरा, छोटा वाला। मैं भाई अगर गाली बकरा तो साले मैं तुम्हारी दुकान के सामने मारूंगा। मैंने इतने कहा उनसे, बोला नहीं नहीं तू नहीं मारेगा, मैं ना मारूंगा। अब वो धाक लगा के पहले ही बैठे थे मुझे मारने के लिए, मुझे क्या पता मुझे मारेंगे। इतने मैं बात ही कर रहा हूँ, पीछे से उसका छोटा भाई आया अजीम, उसने लाठी दी है, खलील ने तमंचा निकाला है। मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा हूँ, उल्टा सीधा सीधा भाग रहा हूँ बाजार की तरफ, इधर बिधर होता हुआ एक फायर करी है मेरे पीछे, लेकिन मैं जान बचा के वहाँ से भाग गया हूँ। ये तीसरा बाकी आया उनका। तो फायर भी किया तुम्हारे ऊपर? जी हाँ, फायर लाठी भी मारी है। हाँ, लाठी देखो आप, पुरानी कोई दुश्मन? हाँ, मेरे बच्चे से लड़ा, पहले मेरा बच्चा मारा था, पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी थाने में 151 में, एक दिन में जेल रह के भी आया था। कितने दिन पहले? करीब करीब महीने 2 महीने हो गए होंगे। तो इस 3-4 घटना ये कर चुके हैं मेरे साथ ऐसी। 3-4 घटना कौन सी हुई? एक तो आपने अभी बताई। हाँ, और एक महीने पहले, और उससे पहले कम से कम साल भर पहले। ये बदमाश आदमी है साहब, इन्होंने मर्डर भी करे हैं खलील ने, ना तो इनका इतिहास उठवा लो आप राय थाने से, सब मालूम पड़ जाएगी। तुमसे क्या दुश्मनी की? ये दुश्मन, ये अपना वहाँ पे रोब रखते हैं। क्या करते हैं? जी साहब, मैं तो टेम्पो चलाता हूँ। जा रहे थे तो कितने लोगों ने घेरा था? चारों ने घेरा था। कौन कौन थे? एक खलील, बाप का नाम उमर दराज, एक शकील, बाप का नाम खलील, एक कपिल, बाप का नाम खलील, और एक ये छोटा वाला। ये इसकी दुकान के सामने का मामला था। है उसकी दुकान? ये सराय साई में है जी। यानी जो गोली आपको दांगी गई है वो सराय साई था? हाँ। तमंचा था, क्या था? जी कट्टा था साहब, कट्टा कट्टे से चला। तो अब आपने कोई प्रार्थना पत्र जी दिया था? 112 पे कॉल? 112 पे कॉल नहीं करी है, लेकिन यहाँ प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। आपको बचाया गया? बचाया गया, मैं उल्टा सीधा भागा हूँ वहाँ से दौड़ करके। हाँ, कोई नहीं था वहाँ पे, ये चार थे बस, इन्होंने सुनसान देखी कि कोई भी ना कर लो काम है, धाक लगा के बैठे पहले से। प्रार्थना पत्र दे दिया? दे दिया था। तो कोई तुम्हारी जो पुरानी रेंजेस, कोई जमीन विवाद या कोई ना? कोई जमीन विवाद नहीं है, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनका इतिहास उठवा लो। तुम्हारे साथ लड़ाई करते हैं किसी और? हर एक किसी के साथ मनचाज बजियारे पीट देते हैं ये। अच्छा। बहुत कांड है इनके। क्या करते हैं और ये लोग? हैं? क्या करते हैं? बदमाश हैं ये, पुराने बदमाश हैं खलील। काम धंधा क्या करते हैं? काम धंधा क्या, ये अब तो लड़के इसके पंखे भंगों का काम कर रहे हैं, इसका काम यही है चोरी चकोरी का। लगी ना। किस जगह की रहने वाली हो? साई सराय। क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है, गब्बर हमारा निकल के जा रहा था सीधी नजर से, उसे कोई पता नहीं, कोई इलम नहीं कि क्या होगा यहाँ पे। जैसा भी निकल के जा रहा, भागे पीछे एकदम चार भाई लाठी लेके भागे, तो बस के पैर में और कमर पे मारी है। कपिल, शकील और अलीम और खलील चारों जाने लाठी लेके माँ तक भगे दरवाजों तक घेरा से। एक ने फैल करा, कैसे 10-20 मिनट हुई होंगी। पुलिस आई है? पुलिस अभी आई थी यहाँ। उसके बाद तू पकड़ा गया? नहीं, भग गए वो। अच्छा। हाँ, उन्हीं के सामने भग गए एकदम, भगते हुए उन्होंने देख लिए। तुम्हारा क्या नाम है? तो मेरा नाम है मुबीना। मेरा ही बेटा
अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हर वक्त के ऐसी भी करेंगे और कहीं तो नहीं जी जान से मार के पटक देंगे तो मैं क्या करूंगी। और अब भी सरिया निकाल के नहीं लाया, अब तो मुंह में मारता, अभी जान से ही मारा। मेरा नाम पंजाबी है। क्या घटना हुई ना, ये क्या चार जने आए थे, वो अकेले को लाठी मारी थी, मेरा वो गेरी थी, मेरे बड़ा भाई था, वो बड़े भाई है हमारे। हाँ मैं सो रहा था, मैं अभी उठ के आया था जब मुझको पता चली थी। तो आपके भाई को गोली लगी है? हाँ गोली इन्हें चलाई थी, गोली नहीं लगी थी, मैं ना लाठी लगी थी, कमर पे लगी थी। हाँ इन्हें गोली चलाई थी। पुराने दुश्मन है? पहले लड़ाई हो चुकी थी, पहले हाँ पहले लड़ाई हो चुकी है, बिल्कुल गुंज लगा रहे हैं ये। नहीं मैं चली थी गोली, सबने देखी थी, ऐसा कोई 20 मिनट के आसपास की। हाँ हाँ 4 बजे की। हाँ तो यहाँ जो पड़ोसी है सबने देखा या घटना? कोई नहीं था, सुनसान थी। आवाज तो पड़ोसियों को सुनी होगी। हाँ अब तो आवाज तो पड़ोसी ने सुनी होगी। मेरा भाई आ रहा था बाजार से, तो वो तैनात तैयार बैठे थे, उसके पीछे से एक लाठी थी, एक पैर में दी थी, और तीसरे भाई के हाथ में उसने फायर किया था। तुम यही थे? मैं अंदर टीवी देख रहा था, फायर की आवाज हुई तब मैं बाहर निकल गया।